मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है, 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी जिब्रील ने आके सुबह सुबह अपने सारी बेगमात को बुलाया, रुख्सत फरमाया मुलाकात की, बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूं, वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई, 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई है बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको गोद, उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुख्सत फरमाया, आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया, कौन, हसन और हुसैन, का मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे, हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे, हुसैन इसका उलट थे, सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया, और साथ ही आंसू टप 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 टप, बीवियों को जुदा किया आंसू नहीं, बेटी को जुदा किया आंसू नहीं, दामाद को जुदा किया आंसू नहीं, जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू, एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेजे पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया, औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर लिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत ना ले, हराम कारोबार ना चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे, बच्चों को कहां से खिलाएं, बच्चों को कहां से पिलाएं, कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेजे पर चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोले, रुख्सत फरमाया। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए, आपने फरमाया क्या हुआ, खामोश खड़े थे, का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है, अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए, इज़राइल का अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं मेरी जान निकालोगे, का जी निकालूंगा निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मेरे बच्चों के साथ, ये सारी माए, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेजे पे चढ़ेगा, क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए, हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ, जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से, अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते, मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने अजाबों को रोका हुआ, वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया, वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।
कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी बगावत, और फिर वो रोएं और फिर वो तड़पें और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, हाय हाय। और जब इजाजत दे दी मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ए मेरी उम्मत अस्सलाम मा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज ना छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना कमजोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं, जाते भी उम्मत को याद किया। और फिर क्यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीमु लिल ग़ावीन जहन्नम को लाओ, व नज़ल मवाज़ीन अल क़िस्त तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिथ़क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते इंसान जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी, जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया पाक मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने भी बच्चों मां बाप को, हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी मेरी जान बचा मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये कौन है, ये कौन है, ये कैसी आवाज है, कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है। नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे और वो कह रही है या मेरी उम्मत या मेरी उम्मत या मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला।